दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है डीएम ऑफिस की। जौनपुर के डीएम ऑफिस में पीड़िता का परिवार जाता है, अनुराग की बहनें जाती हैं और अनुराग की बहनों के साथ अनुराग के पिता भी साथ जाते हैं। पिता तो फूट फूट के रोते हैं कि और उनके मन में एक सवाल होता है कि कोई ऐसे कैसे बेटे के गर्दन पे मार सकता है। दूसरी तरफ की ये जो तस्वीरें हैं, बहनें किसी राजकुमार का नाम ले रही हैं। अब ये राजकुमार कौन है और इस एचओ बहनों की बात क्यों नहीं सुन रहा है, ये बहुत गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल दोस्तों ये भी है कि डीएम ऑफिस में बैठने के बावजूद भी, डीएम से मुलाकात करने के बावजूद भी परिवार आखिर नाराज क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है जौनपुर में, जरा सुनिए। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहे, क्या ये जंगल राज है? इसी तरह से किसी को काट दिया जाएगा? मेरा बेकसूर बहुत बच्चा काट दिया गया। जो अभी तक कार्रवाई हुई, क्या आप संतुष्ट हैं? यशो साहब से संतुष्ट नहीं है हम। अभी तक जो कार्रवाई चल रही है तो देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। इतनी बड़ी कार्रवाई, इतनी बड़ी घटना हुई, इस पर कोई कार्रवाई हुई, इस पर आप कितने संतुष्ट हैं? गिरफ्तारी वगैरह, चार लोग गिरफ्तार हुए हैं, दो लोग अभी फरार चल रहे हैं। कितने संतुष्ट हैं कार्रवाई से? कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट नहीं है। सर ने आश्वासन दिया है, देखिए क्या करते हैं। क्या अभी तक जो कार्रवाई हुई है उस पर कितने संतुष्ट हैं? अभी आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई उस पर आप कितने संतुष्ट हैं? कार्रवाई हुई कहाँ, अभी तो वो लोग सरेंडर करके खुद गिरफ्तार करवाए, गिरफ्तार करवा के चार लोग जेल गए, अभी दो लोग फरार चल रहे हैं। हत्या करने के बाद जो आरोपी है पहुँच जाता लखनऊ, इस पर आप क्या करेंगे? पुलिस की संलिप्तता है जिस तरीके से? जी बिल्कुल बिल्कुल है, थाने पे जाके बिल्कुल है। हत्या करने के बाद अभी भी क्या पैसा चल रहा है क्या? जी अभी भी लग रहा है पैसा चल रहा है क्या? वो उनका काम अपना वो लोग कर रहे हैं ना, वो सब अपनी तैयारी के साथ थे। आप लोगों ने उनका घर मकान देखा, छत पे चढ़ के देखे होते, घर में से इतने असलहे बरामद हो रहे हैं। ये क्या है, ये समाज है, ये सब समाज है। ये हत्या करने के बाद मुख्य आरोपी कैसे लखनऊ भाग जाता है, किसकी संलिप्तता आपको नजर आ रही काम है? हाँ नहीं, किसकी संलिप्तता बताऊँ, वो लोग खुद प्री प्लान करके बैठे थे संलिप्तता। उसमें जो दरोगा वो सह देता था, मुख्य साजिश करता तो वही था। आखिर में अभी तक दरोगा की क्यों कार्रवाई नहीं हुई? गिरफ्तार हुआ है वो भी। नहीं, जो दरोगा अभी जो गोला बादशाहपुर का थाना अध्यक्ष है, अभी तक उस पर क्यों? ये सवाल आप उन लोगों से पूछिए ना भैया, रहने दीजिए, हम लोग बात करने कंडीशन में नहीं है। एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं कि हम संतुष्ट, बोल दिए ना एक शब्द में कि हम संतुष्ट नहीं है इस कार्यवाही से, बात खत्म। आप ये क्वेश्चन आप प्रशासन से करिए भाई, आप ये क्वेश्चन प्रशासन से पूछिए कि उनके ऊपर क्यों कार्यवाही नहीं। हमारे सामने आते हैं भैया, वो मुस्कुरा के चले जाते हैं। बताइए यशो साहब, जो भी हटाए नहीं गए, आज हम उनको कह रहे हैं कि जो हमें धमकी दे रहा है राजकुमार, आप उसके ऊपर कार्यवाही करिए, आप एप्लीकेशन में उसका नाम डालिए। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं हम समझ लेंगे। अरे क्या समझ लेंगे आप, इसका मतलब आप आज भी पैसा खा के बैठे हो? बताइए, भाई दरोगा है, उसका लाभ मिल रहा है, जाहिर सी बात है, बिना लाभ के आप कोई काम कैसे कर सकते? बताइए, वो आरोपी हत्यारा है, उसको बिना हथकड़ी के रखे हैं। बताइए नहीं पूछ पाएंगे ना? यशो साहब हमारे यहाँ ऐसे वो सीना तान के खड़ा है, वो सबके सामने सीना तान के खड़ा हुआ है। यशो साहब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो खाली आश्वासन दे रहा है। राजकुमार का नाम वो ढंग से एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं, कैसे देख लेंगे आप? बताइए, वो ढंग से एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं। अंदर कप्तान साहब के डीएम साहब, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, वो बोले कि 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, जब शुरू होगी हम देखेंगे तब हम संतुष्ट होंगे। आप समझ रहे हैं ना, आश्वासन दिया है, संतुष्ट नहीं है, जाहिर सी बात है भाई, हमको आश्वासन दे के लोग चले जाते हैं। आज 6 दिन हो गया, हम संतुष्ट हैं आपकी कार्रवाई से? नहीं है ना? बताइए, हमारे साथ जो हुआ वो किसी के साथ आप फील ही नहीं कर सकते, गलती से भी नहीं होगा जो हमारे ऊपर बीत रही है। प्लीज हमारा पीछा छोड़ दीजिए, हमें बाहर निकलने दीजिए। Thank you.
काम आ रहे थे ना, हमें कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठा बातचीत।